लगा? बच्चा पार्टी जिंदाबाद, कैसा लगा आपको? बोलिए बोलते बच्चों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था सब बच्चों ने, आपको बहुत अच्छा लगा। अब टीवी में कुछ दिखा रहे हो लोग, आप लोग अब बोलिए। एक ही इंसान ज्यादा खुश मत होइए, दूसरा नहीं मिलेगा, यही मिलेगा प्रोडक्ट। मॉडिफाई हो गया है 14 साल में मॉडिफाई हो गया। अब मैं कैसे लग रही हूँ आज? शादी वाला दिन याद आ गया, सेम यही शादी पहने। कैसी है ये दूरी, हाँ चलो, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो, कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। मैं हमारा ये एनिवर्सरी देखा, मतलब बच्चों ने जो अरेंजमेंट किया था वो आप लोग देखे, तो हम लोग वाकई में बहुत इंजॉय करे। बट इस ब्लॉग को मुझे यहीं पर एंड करना होगा। नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ब्लॉग में मैं इतना सब नहीं कवर कर पाऊँगी। जो मैंने ड्रेस परचेस किया था और जो मेरा फाइनल लुक है एनिवर्सरी का, मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैं ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई, इस ब्लॉग में कंप्लीट करूँगी। तो हाँ, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ज्वेलरी सब मैं रख दूँगी और ये ड्रेस चेंज करूँगी और जो मेरा फाइनल लुक है वो आपको अब देखने के लिए मिलेगा तुरंत ही इसके बाद। सो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो उसके बाद मैं रेडी होने के लिए चली गई, बहुत लेट हो गया था, ऑलरेडी 9:30 बज चुके थे। सो मैंने मेरा जो मेकअप था एंड जो ज्वेलरी एंड ऑल सब कुछ, मतलब मैंने रिमूव कर दिया, मेकअप धो लिया, क्योंकि अभी नाइट में मुझे हल्का सा सिर्फ मेकअप चाहिए था, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था। गुनगुन आ गई थी मुझे हेल्प करने के लिए, फटाफट मैंने किया क्योंकि हस्बैंड ही बहुत लेट आए, तो काफ़ी लेट हो चुका था, 9:30 तो घर ही में बच गए थे। उसके बाद फटाफट से मैं रेडी हो गई, हल्का सा मेकअप कर लिया, हेयर स्टाइल बना लिया, पॉनीटेल, और फिर हम निकल गए थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे, ऑलरेडी लेट हो ही चुका था। सो अब मैं दिखा रही हूँ आपको मेरा फुल लुक। आ गई हूँ मैं ऊपर के फ्लोर पर, आपको लुक दिखाऊंगी, लुक मेरा चेंज हो गया, पहले ट्रेडिशनल था अब डिफरेंट हो गया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो ये मेरा फाइनल लुक है एनिवर्सरी का। अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने। आज ये दिन बना रहे सर छूना है यारा, मैं क्या करूं, कुछ भी रब दिखना है यारा, मैं क्या करूं। पापा मम्मी जा रहे हैं और आगे का जर्नी आपको मम्मी दिखाएगी। अब फोन तो लेके जाइए, यही मैं छोड़ के जाऊंगी। फुल लुक दिखाया? हाँ, फुल लुक दिखाया। मैंने किया है क्या आज तक? करूँगी अब इनको को अपने साथ बुलाती।
चमक रहा है। नहीं शूट कर पाए क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी अकेले ही थे, कोई था नहीं शूट करने के लिए। और आप लोगों को पता ही है कि मेरे पतिदेव को 0% इंटरेस्ट होता है ब्लॉग एंड रील्स शूट करने में, उनको कोई दिलचस्पी कभी भी नहीं होती है। सो जैसा जैसा मुझसे हुआ मैंने वैसे वैसे शूट किया आप लोगों के लिए, थोड़ा थोड़ा शूट किया, बट हाँ मैंने इंजॉय बहुत ज़्यादा किया। जैसे मुझे डांस का सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मेरे शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे पति मुझे ले गए थे डिस्क में और हमने बहुत वहाँ पे डांस भी किया, बहुत एंजॉय भी किया और ये एनिवर्सरी मुझे लाइफ टाइम याद रहेगी। थैंक यू सो मच। पार्टी ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट डे मैं मुंबई चली गई और फिर मुंबई जाने के बाद मैं आई अपना एनिवर्सरी गिफ्ट खरीदने, क्योंकि पतिदेव ने कहा था कि जाओ और ये काम भी ख़त्म कर लो। सो मैं आई शॉप में, संध्या मेरे साथ थी और मुनमुन भी मेरे साथ थी, तो हम डायरेक्टली शॉप पर आ गए अपना गिफ्ट खरीदने के लिए। तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी, ठंडे की बोतल में तेरा फिनर तुझे गट गट मैं पी लूं, कोका कोला तू शोला शोला तू तू तो पजामा कला सब।